नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। सुहाग की स्टेज पर जाने का वक्त आ गया नगमा। चलो नगमा। चलने का इरादा नहीं है क्या? अरे घर कैसे जाए जाने मन, हम तो घर जाकर किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जानू? दादा हुजूर को परदादा बनने का शौक है और हम दो बीवियों के शौहर होकर अभी तक बाप नहीं बन सके तो उन्हें परदादा कैसे बनाए। अब देखे ना, हमारी कोशिश तो जारी है, ये बात और है कि अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। हंसने की वजह जानना चाहते हो तो फिर मिठाई खिलानी होगी। फिलहाल तो आप किसी से मुंह मीठा कर लीजिए और बताइए बात क्या है। तो फिर घर चलने की तैयारी कीजिए, असलम साहब आपकी कोशिश कामयाब हुई। सच? सच? हाँ, हाँ, सच। मैं बाप बन गया। असलम दादा हुजूर मुबारक हो, आप परदादा बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे असलम, हमारे मरने से पहले तुमने हमारी आखिरी तमन्ना पूरी कर दी। मुबारक हो नगमा, बहुत 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 मुबारक हो।
दादा हुजूर, अब इस हवेली को रोशनियों से सजा दीजिए, गरीबों में खैरात बांटिए, जश्न मनाइए, मेरी बहन माँ बनने वाली है। हाँ रेडी, बड़ा शानदार जश्न मनाएंगे। आइए आप लोग तशरीफ रखिए। जी हम खड़े ठीक हैं। क्यों भाई, कुछ खफा हो किसी से? नवाब साहब, हम नहीं चाहते कि हमें खून के आंसू रोना पड़े। साफ साफ लफ्जों में कहिए, कहना क्या चाहती हैं? नवाब साहब, अभी अभी हमारी भांजी की गोद भरी है, हम नहीं चाहते कि वो गोद उजड़ जाए। कैसी मनहूस बात करती हैं आप। सुनने में बात जरा कड़वी है नवाब साहब, मगर है सच। अगर बांझ का साया किसी हामला औरत पर पड़ जाए तो वो हमल जाया हो जाता है, और आपकी बड़ी बहू एक बांझ है। लगाम दो अपनी जबान को। मगर बदकिस्मती की लगाम को कौन खींच सकता है नवाब साहब? अगर इस बांझ का साया पड़ने से मेरी नगमा और इसका बच्चा मर गए तो? मामू जान, आप ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं? दकियानुसी बातों में ही सच्चाई छुपी होती है। हमारे मोहल्ले में दो बहनें थी, बड़ी बहन बांझ थी और छोटी बहन माँ बनने वाली थी, मगर उस बांझ का साया पड़ने से छोटी बहन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, और अपने बच्चे के गम में बेचारी खुद भी चल बसी। बंद करो ये घटिया बातें, हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। ओहो, आपके मानने या न मानने से कुदरत थोड़ी मान जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ नवाब साहब कि नगमा के बच्चा होने तक रुखसार का रहने का इंतजाम इस हवेली से बाहर कहीं कर दिया जाए तो बेहतर होगा। असगर साहब, हमारी बर्दाश्त का इतना इम्तिहान न लें कि हम तैश में आकर ये भी भूल जाएं कि हम इंसान हैं। रुखसार इस हवेली की पहली बहू है, उसे इस हवेली से हमारे जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी कोई नहीं निकाल सकता। हाँ ठीक है ठीक है, आप खफा मत होइए नवाब साहब, हम तो सिर्फ आपके आने वाले पोते की जिंदगी की हिफाजत के लिए कह रहे थे। हाँ अगर रुखसार इस हवेली से बाहर नहीं रह सकती तो बच्चा होने तक नगमा और असलम हमारे साथ नगमा के घर में रह सकते हैं। जिसे जहाँ रहना है रहे, मगर रुखसार इसी हवेली में रहेगी। चलो नगमा बेटी, अपने घर चलो। रुक जाओ नगमा, मैं अपने अबू जान के घर चली जाऊंगी। छोड़ो 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 मेरी भांजी को, उन्हें मेरे सारे ख्वाब जल जाएंगे। चलो नगमा, खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ, मैं हाथ जोड़कर इल्तजा करती हूँ, मत जाओ। चलो मामानी जान, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नगमा, जो हम कहते हैं वही करो, तुम्हें इस हवेली का वारिस जिंदा पैदा करना है। चलो असलमिया। असलम, खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ। मामू जान, हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन बच्चे को रुखसार की नजर नहीं, दुआएं लगेंगी। आप जज्बाती हो रहे हैं असलमिया, जज्बात की रौ में बहकर अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की रिस्क मत लीजिए। हाँ असलम, मामू जान ठीक ही कह रहे हैं। रुखसार, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगर यह बात सच हो गई तो जिंदगी भर के लिए तुम पर एक तोहमत लग जाएगी। इतना बर्दाश्त कर लिया है तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, ये दिन भी गुजर जाएंगे, और फिर हमारे घरों के बीच फासले हो जाने से हमारे दिलों के बीच फासले थोड़ी हो जाएंगे। असलम, घर चलो। नहीं असलम,